इस वजह से फ्लॉप की कगार पर उतरेंगी लाल कप्तान, नागा साधु का नहीं जल पाएगा सिक्का। बॉलीवुड के एक्टर सैफ अली खान की फिल्म लाल कप्तान आज रिलीज हो चुकी है। फिल्म का हल्ला काफी समय से चल रहा था, वहीं सैफ अली खान के फिल्म में नागा साधु बनने पर हर कोई उनकी इस फिल्म से वाकिफ होने लगा और देखने का इंतजार कर रहा था। अब लीजिए, फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है और इसी के साथ सैफ अली खान के नागा साधु की झलक देखने को मिलेंगी। ये फिल्म नवदीप सिंह की बतौर निर्देशक पहली फिल्म है। हालांकि इससे पहले आपने मनोरमा सिक्स फीट अंडर तो देखी ही होगी, जिसके बाद उन्हें इसी नजरिए से देखा जाने लगा था। अब ये फिल्म दर्शकों का नजरिया बदलने में तो कामयाब रही, लेकिन फिल्म अपना सिक्का चलाने में सफल नहीं हो पाई। फिल्म में सैफ का नागा साधु लुक देख आपको कुंभ की याद तो आएगी, लेकिन आप उसमें खो जाने में नाकामयाब होते साबित हो गए। सैफ अली खान फिल्म में नागा साधु के गेटअप से नया तिलिस्म गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चेहरे पर चिता भस्म लपेटे सैफ कभी लंगड़ा त्यागी का भ्रम देते हैं तो कभी जिमी क्लिफ का, लेकिन उनका ये कॉस्ट्यूम ड्रामा उन्हें असली जैसा दिखने नहीं देता। नवदीप ने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में जैक स्पैरो जैसा लुक फील करवाता है। फिल्म के स्टार्स की एक्टिंग में किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, लेकिन इस फिल्म की कहानी और फिर अभिनय को देखा जाए तो आप कमी निकालने में सफल हो सकते हैं। एक तरफ रेस के खिलाड़ी बनकर जहां सैफ ने अपनी प्रोफेशनल इमेज साबित की थी, ये फिल्म उसे बिल्कुल उलट देती है और कुछ और ही फील करवाती है। फिल्म को पूरी तरह से फ्लॉप कहना भी तोहिन होगा, लेकिन फिल्म के कुछ भागों के लिए तो यही सोचना होता है आखिरकार ऐसा क्यों है। जहां एक तरफ सैफ का किरदार कॉपी लगता है तो वही फिल्म की कहानी दर्शकों को बांधे रखने में नाकामयाब होती है। अपनी तरफ से मेकर्स ने फिल्म को हिट करने की भले ही काफी कोशिशें की हो, लेकिन फिल्म इसके बाद भी अपना रुतबा कायम करने में सफल नहीं हो पाती है। हालांकि देखते हैं सैफ की ये कमबैक फिल्म उनके करियर को क्या देती है।